यहाँ जब से आए हुए हैं हम लोग तब से एक एक दिन काट रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अब हमारी ड्यूटी मॉर्निंग में हो गई है, 5 दिन बचा है, 15 दिन में 5 दिन बचा है, 10 दिन तो कट गया कैसे कैसे। अब मॉर्निंग ड्यूटी है, सुबह नींद नहीं आई, 5:30 बजे उठ के ही सब ब्रश व्रश करके कुछ कपड़े रात के बचे हुए थे, रात की ड्यूटी थी तो रात में कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो सुबह कपड़े भी धुलना पड़ा। आजकल दो तीन दिन बाद कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, कितने साल बाद कपड़ा धुलना हुआ, आदत छूट गई थी। जैसे लग रहा है जैसे हॉस्टल में आ गए हैं, एक अलग लाइफ यहाँ चल रही है। अब फिर उसके बाद उठा हूँ, फिर गर्म पानी में ग्रीन टी पिया हूँ, कुछ बादाम खाया हूँ, अब चलता हूँ थोड़ा टी पीता हूँ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, सुबह नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद क्योंकि 8 बजे से ड्यूटी है तो पहुँचना भी होगा, चलिए फिर वहाँ आप लोगों को लेकर चलते हैं कि ड्यूटी पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज चीज़ें आप सबको दिखाएंगे कि प्रॉपर वे कहाँ है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ जब से आए हुए हैं हम लोग तब से एक एक दिन काट रहे हैं, जैसे आज एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, आज 10 दिन बीत गया, वैसे समय काटा जा रहा है कि बस 11, 12, 13 ऐसे ऐसे किया जा रहा है। यह भी एक लाइफ एक्सपीरियंस है क्योंकि तो चीज़ें अलग हैं, घर से पास भी रह के नहीं जा सकता ये कब, तो सब चीज़ें इस बार ये जो COVID-19 आया सबकी लाइफ को चेंज कर दिया है, बहुत चीज़ अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को लोगों को मिल रहा है। यहाँ लोग जो आते हैं कि सिम्टोमेटिक आते हैं और अच्छे से 10 दिन 11 दिन में अच्छे होके भी जा रहे हैं, तो जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं तो आप लोग पैनिक ना हो, जिनको अगर होता है तो या तो होम क्वारंटीन की व्यवस्थाएं होंगी या हॉस्पिटल में, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर खाना मिलता है, हर चीज़ें ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाय काढ़ा भी मिलता है, काढ़ा तो हम लोग भी पीते हैं ड्यूटी के समय, तो सरकार कर रही सब चीज़ें प्रॉपर ढंग से। अगर कहीं कहीं होम क्वारंटीन की व्यवस्थाएँ अगर आपके घर में व्यवस्थाएँ हैं तो आप उसका यूज करिए और 10 दिन से 12 दिन के अंदर आप फिर टेस्ट कराइए और फिट हो जाइए, क्योंकि तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बचाव रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बैग तैयार हो गया है, देखिए टी बैग, गर्म पानी है, एक में दूध है, एक में पिसी हुई चीनी भी है, बिस्किट है, पानी है, सब सारी व्यवस्थाएं रहें क्योंकि भूख बहुत लगती है हमें, तो खाने पीने का चाय तो अंदर वहाँ का पी नहीं सकते, इसलिए सिर्फ सब चीज़ें व्यवस्था है, कार में ही बैठ के पिया जाएगा। सही बोल रहे हैं, बज रहा है 11:30 बजे, सुबह सुबह नाश्ता करके आने के बाद तब भी भूख लग गई थी और चाय पीने का मन किया, तो जो बताया था ना कि बैग में सारा चीज पैक किया हुआ, तो अभी आया हूँ, एक स्कूल है यहाँ बाहर, हवा भी अच्छी लग रही है, थोड़ा मास्क हटा के सांस लेने में भी अलग आनंद है इसका, तो सब चीज़ें हैं तो चलते हैं, थोड़ा सा बिस्किट और कुछ केक खाते हैं, इतना सामान घर से मिला हुआ है तो उसको यूज कर ले, नहीं तो लग रहा है कि वापस जाते जाते सारा चीज़ वापस हो जाएगा। अभी तो मैगी पास्ता खाया ही नहीं किसी दिन, तो चलते हैं चाय बनाते हैं, थोड़ा सा मौसम को खुशनुमा करते हैं, बाहर मौसम बड़ा ठंडा है तो आनंद भी लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स वहाँ से आके यहाँ बाहर बड़ा अच्छा रिलैक्स भी लग रहा है, तो चाय वो पी लेते हैं फिर तब चलते हैं अंदर, कुछ लोगों को देखते हैं क्या करना है। तो चाय की चुस्की भी ले रहे हैं अच्छे से हैं, चाय की चुस्कियाँ साथ देते हैं, अच्छा एकदम पूरा एकदम आनंद में पिकनिक आए हैं हम लोग। अरे भाई खाना पीना जरूरी है, स्वस्थ शरीर में ही चल जाए। ये डॉक्टर शाह, डॉक्टर राजेश, ये हमारे साथ हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, एकदम इनके साथ इतनी ट्यूनिंग अच्छी है कि हम लोग पता नहीं चला आज 11 दिन बीत गया है, तो डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। मैं डॉक्टर राजेश सिंह,
हम और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साथ में जो है कोविड हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हमारी टीम में और भी जो सपोर्टिंग स्टाफ है बहुत अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन साफ सफाई व्यवस्था दवाई सारा कुछ जो है बढ़िया प्रॉपरली चल रहा है। हम लोग को यहाँ 10वां दिन आज 11वें दिन हो गया काम करते हुए, दो चार दिन और बचा हुआ है और कोई वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बस प्रॉपर जो है थोड़ा सा सावधानी बरत के काम करना है। Thank you.